जैसा कि आप देख सकते हैं ये शख्स का मोबाइल टूट चुका है, बहुत बुरी तरीके से टूटा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो भाई अभी हम इस वक्त चाय पे चर्चा का पहला एपिसोड है। हम लोग इस वक्त दोस्तों के साथ मौजूद हैं और मेरे साथ ज़ीशान, शाहजेब और मुदस्सिर हैं। तो चाय बेसिकली दोस्तों के लिए एक वक्त गुजारने का बेहतरीन एक अनमोल तोहफा होता है। चाय लवर्स भी बहुत सारे होते हैं, तो अनमोल तोहफा इसलिए होता है कि चाय के टेबल पे सब होता है। और वो क्या क्या होता है वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो देखते रहिए, कहीं गायब नहीं होना है, पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो को लाइक करना है, एंड तक देखनी है। चाय पे चलता सबसे चाय पे चर्चा दोस्तों की सबसे अच्छी चीज ये सिद्दीक है, हमारा प्यारा भाई। शर्माता बहुत है, हमारा दोस्त है तो कुछ ज्यादा मोहब्बत करता है इसे। मोहब्बत अच्छा। तो मोहब्बत होती है ना। शादी के लिए कितने पैसे जमा कर रहे हैं? ये बस 8 लाख रुपए जमा करेंगे बस। अभी 4 लाख से 8 लाख हो गए, महंगाई हो गई है। 8 लाख रुपए जमा हो गया है बस। अभी जो है इंशाल्लाह 4-5 दिन के बाद शादी हो रहा है, तो आपको भी दावत देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर आएंगे, बुलाएगा भाई, मेरी जरूरत है। ये हमारे सिद्दीक भाई हैं, हमें 3 साल हो गए हैं यहाँ पे चाय पीते हुए। ये अब्दुल बारी होटल, अब तो उसका नाम भी याद हो गया है। ये अब्दुल बारी है। और बहुत बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ कोचिंग के बाद। हमने इतना इंजॉय किया है कि क्या बताएं आपको। पराठे खा खा के हम खुदा खा गए थे यहाँ पे। खुद पराठे बन गए माशाल्लाह, तंग पराठे बन गए। शाहजेब का जो आधा वजन है वो यहीं से बढ़ाया गया, खा खा के। और तैमूर का भी वजन यहीं से बढ़ाया और हमारा भी। नहीं जाने तैमूर आया नहीं है, लेकिन तैमूर का है, तैमूर की जगह खाली है। तो चाय पे चर्चा दोस्तों की सबसे अच्छी चीज आएगा, मतलब एक वो मीम में या एक वो दावत ही है ना, मैं यहाँ डाल दूंगा। इसमें लिखा हुआ होता है कि रात के 1 बजे आप चाय पीने महबूब के साथ तो नहीं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। तो चाय सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों के लिए। मैं चाय लवर नहीं हूँ भाई, लेकिन दोस्तों के साथ आते हुए आप आओ, चाय वाय पियो, कोई चीज करो, क्यों भी साथ। बिल्कुल सही बात कह रहा है मेरा भाई रहमान यार। ये चाय का होटल भाई ऐसी जगह है लड़कों के लिए, जहाँ ना हर किस्म की बात होती है, बिजनेस, प्यार, मोहब्बत, वफा, धोखा, ऑफिस की टेंशन, फ्यूचर प्लानिंग, जो भी कुछ होता है वो इधर ही होटल पे होता है भाई, और कहीं नहीं होता। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से कि रिजवान ने आपको बताया कि हम लोगों ने यहाँ पे अपना बहुत अच्छा टाइम गुजारा, अभी भी गुजार ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, हमें भी और अच्छा टाइम गुजारने की कोशिश अदा फरमाए। कोई बयान नहीं कर रहा भाई, लेकिन एक बात कर लेंगे, आप निशान भाई बोलेंगे भाई दुआ कर लेते हैं। तो दुआ हुआ नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा था कि हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, अल्लाह पाक आगे भी हमें टाइम अच्छा गुजारने की तौफीक फरमाए। और तैमूर जो माँ के भाई हैं हमारे, वो आए नहीं, हमारे मामू थके हुए, हमारे रिश्ते मामू लगते हैं और हम ही मामू बनाते हैं, अम्मी के भाई मैं और रिश्ते में हम ही मामू बनाते हैं। तैमूर की आपको बात बताए, तैमूर कहता है मैं थका हुआ हूँ भाई। नो ऑफेंस तैमूर, बुरा नहीं मानना, लेकिन भाई फोन तो उठा दिया करो, कम से कम फोन उठा के मना कर दिया करो यार। फोन ऐसे नहीं उठाता, ऐसा लगता है हमने कर्जा लिया हुआ, इसको कर्जा दिया हुआ और फोन। तुम सारे राज बता दो अपनों के। अच्छा तैमूर बोलना नहीं था, तैमूर का एक और राज, तैमूर को अगर मैंने फोन किया ना, तो तैमूर नेक्स्ट डे ज़ीशान को मैसेज करेगा किसी को, यार अगले बार फोन कर रहा था, उस दिन फोन नहीं कर रहा था, मैंने फोन किया तो मुझे थोड़ी देर बाद फोन कर ले भाई। नहीं, अगले दिन किसी और को अपने से मैसेज करके, यार वो रिजवान फोन कर रहा है तुझे पता है। बाकी तैमूर बंदा ग्रेट है, बनना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी बन नहीं सकता। तैमूर बंदा ग्रेट है, जो भी बोलो जानी, मैं खुद ज़ीशान का पराठा आते हुए और मेरा पराठा आ गया। खुद ही चाय ले आओ गरम यार। जैसा कि आप देख सकते हैं ये शख्स का मोबाइल टूट चुका है, बहुत बुरी तरीके से टूटा है, वो आपको कैसे बताऊं मैं। दिल भी टूटा है, दिल तो टूटा हुआ है। अरे वो अमेरिकन ईगल वाली टी-शर्ट निकाल दो, शुरू से अमेरिकन ईगल तनाइयों से मोहब्बत।